अब भूमिका मान दी आपने बहुत ही जबरदस्त। देखिए डॉक्टर सांखला, जो पहली जो ओपनिंग हुई उसमें बहुत जबरदस्त छक्का चौका लगा है, बहुत जबरदस्त आपने मारा उधर से छक्का चौका, बहुत बढ़िया बैटिंग आपने की। इधर से जो लगा है छक्का बहुत जबरदस्त लगा, और छक्का का जो मैं बताता हूं स्कोरिंग जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ये डॉक्टर वीना राघव ने ये कह दिया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बेसिकली इमरजेंसी के लिए सबसे फुल प्रूफ है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपकी नहीं कोई चल पा रही है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मॉडर्न मेडिसिन इज दी रेमेडी। आज इनके ओपनिंग रिमार्क से ये लगता है। दूसरी बात मैं दर्शकों की बात बता दूं, अब डॉक्टर बीना आपके लिए सवाल है, एलोपैथ का जनक हिपोक्रेटिस खुद बोलते हैं कि दवा को भोजन नहीं भोजन को दवा बनाइए, दवा को भोजन नहीं भोजन को दवा बनाइए। और दूसरे एक कहते हैं, उन्होंने लिखा है प्रोफेसर है कोई, फार्मा माफियाओं के सिलेबस को नहीं रटेंगे तो ये डॉक्टर बनी नहीं सकते। कोई बात नहीं, ये हम दूसरे राउंड मिलेंगे। और हमने ठीक करने के लिए ट्रीट नहीं किया जाता, कस्टमर परमानेंट बनाने के लिए सबको इलाज के नाम पर एक जाल में उलझाया जाता है। ये दोनों चीज के लिए है, डॉक्टर बीना ने अभी होम्योपैथ और आयुर्वेद के लिए ये प्रयोग किया है। डॉक्टर सांखला, अब आपका जवाब आना चाहिए इस विषय पे, इस विषय पे आना चाहिए डॉक्टर सांखला कि आप कैसे बोल रहे हैं कि ये फेक साइंस है, कैसे बोल रहे हैं फेक साइंस है। अभी उन्होंने एग्जांपल दिया, ब्रेन हैमरेज हो गया, सुनिए ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, और अगर उसमें ब्लड क्लॉट को ठीक नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो गया, किसी का जबड़ा फंसा हुआ है, अगर उसको इमीडिएटली ठीक नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, तो इसको तो आप मानेंगे ना। आप अब इस पर क्या तर्क है आपका, बताइए। जी 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 जी, मैं उससे फिर बात कर रहा हूँ कि विगत 200 सालों में आयुर्वेद की जो दुर्दशा हुई, मतलब सरकारों के उपेक्षा कारण और सामान्य लोगों के उपेक्षा कारण, उस कारण आयुर्वेद अपना मुकाम नहीं पा पाए, और इसीलिए आज जो इमरजेंसी बात करने के एक मतलब, देखो इमरजेंसी कितनी होती है लाइफ में, इस बात को आप ध्यान सुनिए, कहीं पर भी आप सुनिए, 1-2% इमरजेंसी ऑलवेज होती है, इसी के नहीं होती है। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि केवल इमरजेंसी के लिए एलोपैथी को रखो, बाकी चीजों के लिए आयुर्वेद एलोपैथी किस काम की है आप बताइए। अगर सर्दी में खांसी, अरे माना ना डॉक्टर सांखला, आपने मान लिया ना इमरजेंसी के लिए सुनो, देखिए ये बात नहीं चलेगी डॉक्टर सांखला, ये हम आप कुश्ती में ऐसे नहीं चलेगा, रेफरी को तो पकड़ना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि हम इमोशन में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। आप माना ना, आपने माना ना कि हाँ इमरजेंसी के लिए एलोपैथी है। पूरी बात सुन लीजिए सर, हाँ पूरी बात सुन लीजिए। तो इमरजेंसी में अगर यूज हो रहा है एलोपैथी आज, लेकिन ये कहीं पर भी दावा जो इसके कोई निष्पक्ष ऑडिट नहीं हुए हैं कि इमरजेंसी में जो यूज हो रही है मेडिसिन, वो मेडिसिन सही में लाइफ सेव कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको मैं एक डाटा देता हूँ, इसको सर्च कर लेना आप, एम्स दिल्ली का डाटा है, एम्स दिल्ली का जो सर्वाइवल रेट है क्रिटिकल केयर यूनिट का वो है 4%, 4% लोग जिंदा बच के आते हैं एम्स दिल्ली से, जो कि किस देश के कई राज्यों से ज्यादा बजट खाया जाता है, 10,000 करोड़ का बजट खाया जाता है इस देश का, ठीक है। तो ये इनका सक्सेस रेट है। मैं अगली बात कहता हूँ, कोई भी केमिकल्स नहीं होता है, एवरी केमिकल इज पॉइजन फॉर ह्यूमन बॉडी, लेकिन कभी कभी आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि विष की चिकित्सा विष से भी होना चाहिए, कभी कभी इमरजेंसी में हम लोग विष से भी चिकित्सा करते हैं, जिससे अगर रुग्ण की जान बच जाए तो, लेकिन वो केवल 1-2% के लिए होता है। 98% लोगों के ऊपर एलोपैथी को क्यों लादा गया, ये मेरा सवाल बिना जी से है कि अगर आप सर्दी में खांसी में बीपी में शुगर में हार्ट में आपको क्रोनिक डिसीजेस में स्किन में लीवर में आंतों में किडनी में किस चीज में आपको क्यों इंटरेस्ट है, आप केवल इमरजेंसी तक सिमट जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि आप भी बने रहना चाहिए, आपका भी वजूद होना चाहिए, क्योंकि आपने भी तो पढ़ाई की है, 8-10 साल मेहनत करी है, तो आपको हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बने रहे, लेकिन केवल 2% लोगों के लिए बने रहे, 98% हम पर छोड़ दीजिए।